17वीं विधानसभा के गठन के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बजट सत्र के पहले विधानसभा के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से सेंट्रल हॉल में मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष उन कर्मचारियों पर सख्त दिखे जो विधानसभा के अंदर जीन्स और टी शर्ट पहनकर ड्यूटी करते हैं। विजय सिन्हा ने ऐसे लोगों को चेतावनी के लहजे में कहा कि जो लोग जीन्स पहनकर आते हैं वे इस बात को समझ लें कि अगर वे 10 दिन के अंदर विधानसभा के ड्रेस कोड को नहीं अपनाते तो कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करने का सख्त निर्देश दिया। शुक्रवार को विधानसभा में कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। कर्मचारी हो या अधिकारी, सभी को मर्यादा में रहना होगा। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को भी चेतावनी देते हुए अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जो अपने कामकाज में लापरवाही बरतेंगे या समय पर अपने काम को पूरा नहीं करेंगे उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विधायकों से, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी के साथ समान बर्ताव और विधायकों की समस्या का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। विजय सिन्हा ने विधानसभा में नए कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे पुराने कर्मचारियों से कामकाज सीखें, विधानसभा के अंदर इधर उधर घूमने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे वक्त वक्त पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। अगर इस दौरान कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी अपनी जगह पर नहीं मिले या इधर उधर पाए गए तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से भी प्रभावित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया कि विधानसभा के कर्मचारी कार्य प्रणाली में डिजिटल सिस्टम का प्रयोग ज्यादा करें।